जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्रेष्ठ ज्ञान में आप सबका स्वागत है। एक और नया विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सावन का तीसरा सोमवार 27 जुलाई 2020, इसकी विशेषता यह है कि यह शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। जो तीन सोमवार गए हैं वो कृष्ण पक्ष में थे, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है। कृष्ण पक्ष में यदि हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो पितृलोक की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष में देवता लोक अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जिनका भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर अमावस्या तक का है, तो उसको जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती हैं, संघर्ष बहुत होता है। माँ के लिए परेशानी, माँ को परेशानी होती रहती है। बहुत ही दयनीय स्थिति तक लेके जाता है यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो। और सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह है और सबसे ज्यादा पीड़ा पाता है, और सबसे ज्यादा अस्थिर ग्रह जो है वो चंद्रमा ही है, जो कि 2.5 दिन के अंदर राशि बदल लेता है। तो चंद्रमा का जो है उसको हम मजबूत करना है, ताकि हमारा जो जीवन है, जीवन का जो उद्देश्य है वो शीघ्र पूरा हो, सही तरीके से पूरा हो, लंबे समय तक चले। इसलिए हम चंद्रमा को मजबूत करेंगे। सोमवार का दिन, सावन का तीसरा सोमवार, सप्तमी तिथि 7:35 तक, इसके बाद में अष्टमी तिथि होगी जो कि माँ दुर्गा के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि, सोमवार के दिन चतुर्दशी तिथि अगर हो तो माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त होती है पूजा पाठ करने से। चित्रा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद में स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र आएगा। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, सोमवार को अगर आपको पूजा पाठ का लाभ लेना है तो सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक आप भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। उनकी जो भी पूजा पाठ संबंधी चीज़ें हैं करते हैं, कर सकते हैं, अद्भुत लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। तो कल आपको ऐसे भगवान शिव की सेवा तो करनी है, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। माँ दुर्गा की सेवा जो है वो रात्रि के समय करनी है आपको। चंद्रमा माँ का कारक, मन का कारक है। अष्टमी तिथि रात्रि चंद्रमा का मजबूती की ओर बढ़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना, तो काफ़ी तरीके से शुभ संयोग रहेगा। कल रात्रि में आपको जो पूजा पाठ करनी है वो माँ दुर्गा की करनी है और चंद्रमा की करनी है। माँ दुर्गा की कृपा से हमें हमारा चतुर्थ भाव मजबूत करना है, शुक्र और चंद्रमा मजबूत करना है। कल के दिन जैसे ही संध्या होती है, तारे आते हैं, तो आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में या चांदी के पात्र अगर उपस्थित हो, चांदी के पात्र में जल आप उनको चढ़ा सकते हैं। शंख के द्वारा भी आप जल या दूध
चढ़ा सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, आसन बिछाकर चंद्रमा को, चंद्रमा का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र से आपको जगाना है। रात्रि में आप स्नान कर सकते हैं पूजा से पहले, उसमें थोड़ा सा दूध शक्कर डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डालना है। चंद्रमा का ध्यान करते हुए आप स्नान कीजिए, इसके बाद में आप पूजा पाठ जो भी है वो शुरू कीजिए रात्रि के समय। अष्टमी का होना, सोमवार का होना और शुक्ल पक्ष का होना अपने आप में अद्भुत है, इसका फायदा उठाइएगा। दुर्गा सरस्वती का पाठ जरूर कीजिएगा, जो कि मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि आपको दुर्गा सरस्वती में सिर्फ चार चीज़ें पढ़नी होती है और पूर्ण फल आपको मिलेगा, माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होगी। हो सके तो खीर बना लीजिएगा, गाय के दूध की खीर बनानी है, शक्कर गाय का घी चावल आपको प्रयोग करने हैं, खीर थोड़ी मीठी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप अर्घ्य देते हैं पूजा पाठ कीजिए, माता जी की दुर्गा सरस्वती का पाठ कीजिए, इसके बाद में माँ दुर्गा को चंद्रमा को भोग लगाइए खीर का, अपनी जननी को, दादी माँ भी हो सकती है, नानी माँ भी हो सकती है, बड़ी स्त्री, उनको भोग लगाइए, उनके चरणों का आशीर्वाद लीजिए और चंद्रमा को देखते हुए त्राटक करना जिसको बोलते हैं, चंद्रमा को देखते हुए 5 मिनट तक आप चंद्रमा को देखिए खाली आसन बिछाकर, और उनका जो मंत्र है वो जाप आप कर सकते हैं। ऐसा आपको कल से शुरू करना है और पूर्णिमा तक करना है रात्रि में जाप। चंद्रमा का ध्यान किया और चंद्रमा के मंत्र जाप किया, आपको अद्भुत फायदा मिलेगा और दुर्गा सरस्वती भी आप पूर्णिमा तक पढ़ सकते हैं। इससे जो आपके परेशानियां आ रही हैं, जो आपकी शक्ति कमजोर हो गई है संघर्षों से लड़ते लड़ते, आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो आपको मजबूती मिलेगी, रास्ता मिलेगा। और हो सके तो घर में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको प्रसाद अवश्य बांटिएगा, सम्मान कीजिएगा, क्योंकि देखा गया है आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं, दुर्गति का कारण ये तो नहीं है कि आपकी पीढ़ियों से, जैसे दादी है, माँ है, बहन है, ये पीड़ा में तो नहीं रही है, कहीं इनको ज़्यादा दबा के तो रखा नहीं गया है, क्योंकि जहाँ ये प्रसन्न नहीं होती तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का आना असंभव ही होता है। तो सम्मान कीजिएगा और खीर का भोग गाय को आप भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए, हो सके तो चंद्रमा की छाया के अंदर, चांदनी के अंदर उस खीर को रखिएगा, सुबह भी भोग लगाइएगा खाइएगा, फिर देखिएगा दिव्य फल चंद्रमा का भी आपको मिलेगा, चंद्रमा भी आपकी कुंडली का मजबूत होगा और माँ दुर्गा की तो प्रसन्नता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिन भी लोगों का चंद्रमा पीड़ित है उनको जरूर शेयर कीजिएगा, अल्टीमेट लाभ आपको मिलेगा। चंद्रमा अगर आपका संतुलित हो गया तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। बस विनती इतनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, व्हाट्सएप फेसबुक पर आप शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।